हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम शर्मा। देखिए, बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स है ना, तो हम लोग ये फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं इसका। तो सबसे पहले तो आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्रॉस करके फाइनल में आए हैं, तो आपको पता ही है कि कितना क्या टफ हो गया। मतलब जैसे कि फर्स्ट ईयर था और जो सेकेंड ईयर था उसमें तीन तीन पेपर थे आपके, ठीक है। तीन पेपर, ओके, ब्लर हो रहा, फोकस एडजस्ट हो रहा, ठीक है। तीन पेपर थे फर्स्ट ईयर, तीन पेपर थे हमारे सेकंड ईयर में, ठीक। फाइनल ईयर में क्या होता है, फोर पेपर हो जाते हैं। थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, फोर पेपर हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, तीन पेपर जो है और ये चौथा पेपर ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल पेपर जो होता है और फर्स्ट पेपर रियल हो गया, ये कॉम्प्लेक्स होता है। रियल एनालिसिस, इसका नाम है रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और इसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस, एन ए कह सकते हैं थर्ड में। फोर्थ पेपर मेरा तो लीनियर प्रोग्रामिंग था, ठीक है। अलग अलग होते हैं, ऑप्शनल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के हिसाब से या फिर कहें कि कॉलेज के हिसाब से भी अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। कॉलेज के हिसाब से होता है, तो मोस्ट स्कोरिंग पेपर यही होता है। सबसे ज़्यादा आप इसी में स्कोर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ नहीं होता ना, ये इजी लेवल का होता है पेपर और काफ़ी अच्छा स्कोरिंग होता है। 57 या 58 मार्क्स का होता है और मेरे 55 आए थे टफ, ठीक है। तो आप स्कोरिंग पेपर होता है, इसमें काफ़ी स्कोर कर सकते हैं। रियल और कम्प्लेक्स वाइज आप दिमाग खाने वाली हैं, दोनों ही जो हैं अलजेब्रा बेस्ड हैं, ठीक है। अलजेब्रा पे दोनों बेस्ड होने वाली हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अभी मैं सिलेबस दिखाऊंगा आपको ऑन थर्ड में। न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो है कैलकुलेटर जो है अलाउ होते हैं, कैलकुलेटर नहीं, एक्चुअली इसको कैलसी बोलते हैं, ठीक है, वो अलाउ कर देते हैं। उससे क्या होता है कि पेपर करने में क्या, मतलब वो ज़रूरी होता है पेपर करने के लिए, उसके बिना आप पेपर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही वो सब कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में नाम रखा है, मतलब कि जो है जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब भर दिए उसी के अंदर। अब जो है मैं क्या कह रहा था कि हाँ, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्रॉस करके आए हैं, तो जो फाइनल ईयर है आपका, तो इसमें सब आपको क्रीम क्रीम मिलने वाली है। क्रीम का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि दूध होता है, दूध में जो क्रीम होती है, तो मज़ा तो क्रीम खाने में ही आता है ना। तो उसी तरह से फाइनल ईयर जो है, इसमें भी सब क्रीम, मतलब जो है सारे के सारे पेपर टफ ही रखेंगे, फोर्थ को छोड़ के, ठीक है। फोर्थ पेपर हाँ, अगर आप अच्छे से पढ़ ले जाते हैं तो अच्छा हो जाएगा, इजी होता है, बाकी सारे क्रीमी पेपर हैं। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के। अब देखिए, सिलेबस दिखाता हूँ मैं, ये इंसॉल्ड है मेरे पास बीएससी थर्ड ईयर, ठीक है। इसमें री एनालिसिस दे रखा है। सेकेंड पेपर क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और थर्ड पेपर जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग थी। अच्छा, न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली जो प्रोग्रामिंग थी है, ये थोड़ा सा कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें बाइनरी ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं, बाइनरी जो उनको मतलब बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेन, वो सब होता है इसमें, और थोड़ा बहुत और होता है। ज़्यादातर लॉन्ग में तो कभी रखते नहीं है, इसे शॉर्ट में रखते हैं, वो भी ऑप्शन में चला जाता है, ठीक है। उसको चॉइस होती है ना हमारी, तो चॉइस में निकल जाता है, तो उसे पढ़ लीजिएगा, मगर हल्के में पढ़िए। बाकी फोर्थ पेपर देखिए, लिखा हुआ ऑप्शनल पेपर है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो जो भी हो, लीनियर प्रोग्रामिंग वैसे था मेरा, काफ़ी जी पेपर है वो। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं हम लोग सेकंड पेपर से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट लेक्चर, आज फर्स्ट लेक्चर है, तो जो है स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे, सॉरी थर्ड पेपर स्टार्ट करते हैं। चलिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस, सेकेंड रियल कम्प्लेक्स तो टप पड़ जाएंगे। न्यूमेरिकल में क्या है, आप लोग कैलकुलेटर ले लीजिए और दमादम कैलकुलेशन शुरू कर दीजिए, ठीक है। फार्मूला बेस्ड है, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, बाकी कैलकुलेटर सब कुछ कर देगा। चैप्टर वन जो है, चैप्टर वन का नाम मैं देख रहा हूँ, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। चैप्टर वन का नाम है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंसेस मतलब, ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर्स दिए जाएंगे, उनके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। डिफरेंशियल ऑपरेटर, जैसे कि मैं कुछ ऑपरेटर आपको डिफिनेशन बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं। पहला डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होता है वो डेल, जिसे डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ये उल्टा कर देंगे, इसे बोलते हैं नेवला, लिख दूँ मैं, चलिए लिखे देता हूँ यहाँ पे। ये होता है हमारा डेल्टा, पढ़ते हैं इसको डेल्टा, ठीक है, इसको पढ़ते हैं नेवला। इसको कहते हैं फॉरवर्ड, ब्लैक पेन यूज करता हूँ, अच्छा लगेगा। अच्छा, ये निकल गया कैमरे के बाहर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर फॉरवर्ड डिफरेंस, इसे कहते हैं बैकवर्ड
डिफरेंस ऑपरेटर, वही सेम है डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्यों कहते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्यों कहते हैं, इसे पढ़ते हैं। वैसे ये सिंबल, इसका नाम डेल्टा है, इसका नाम डेल जो होता है, इसको अगर किसी भी फंक्शन के आगे हम ऐसे लगा देते हैं डेल एफेक्स, एफेक्ट कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इसके आगे हमने डेल लगा दिया, तो अब क्या करेगा ये फंक्शन के साथ, ये यहाँ पे रखे करेगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का डिफरेंस ले लेगा। अब समझिए थोड़ा सा, ये थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं, डेल एफ एक्स कह रहा है ये, तो ये कह रहा है एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एच क्या है यहाँ पर, एच मान लीजिए एक तरह से वन है हमारा, तो क्या हो जाए एफ एक्स प्लस वन और एफ एक्स का डिफरेंस, मतलब एक्स के जो एक आगे वाला टर्म है, अरे इस तरह से आगे आप पढ़ेंगे तो आप ये टेबल बनेगी, ठीक है, यहाँ पे लिखी जाएगी एक्स की वैल्यूज हैं, वो कह देंगे क्वेश्चन में एक्स 40 से लेके 50 तक है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे और कह देंगे एच इजिकल टू 2 है, मतलब एच कहते हैं डिफरेंस को, यानी एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एच तो डिफरेंस, मतलब यहाँ पे कहेंगे पहला 40 हो गया, दूसरा 42, 44, 46, 48 और 50, इस तरह से होगा, तो मतलब इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो ये डेल डिफाइन करेगा, ठीक समझ गए। फॉरवर्ड है तो एफ एक्स प्लस एच, इसको अच्छा बैकवर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बैकवर्ड डिफरेंस दिया जाता है, वह सिंपल है, इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच, कैसे किया देखिए, एफ एक्स मतलब मान लीजिए ये वाला हमारा एफ एक्स है, तो इसके पीछे वाला एफ एक्स माइनस एच, मतलब इस वाले में से इसको घटा रहे हैं, समझिएगा, इसमें क्या किया था, इस वाले में से इसमें, सॉरी इसमें एफ एक्स में से इसमें, इसमें से इसको घटा रहे थे, मतलब आपको लग रहा है यहाँ पे एक तो एक ही बात है, इसको इसमें से घटा दिया, इसको इसमें से, इसको इसमें से घटा दिया है ना, देखिए प्लस समझने की बात है, डेल्टा और नेबला ये बैकवर्ड में काम करता है, ठीक है, इधर से आप इस तरफ की तरफ जा रहे हैं तो इसको घटा रहा है, क्योंकि देखिए एफ एक्स माइनस एक्स माइनस बैकवर्ड, मतलब ये कहना है बैकवर्ड, एक घटा के उससे घटाएंगे, उसमें क्या एक बढ़ा के फिर उससे घटाएंगे, ठीक, आगे आप समझेंगे, अभी तो ये केवल इतना ही आपको पढ़ना है, वो आप हटा दीजिए, इतना पढ़ना है आपको। अब अगला ऑपरेटर पढ़ते हैं हम, डेल्टा हो गया, नेबला हो गया, ई पढ़ते हैं, चलो ई, ई क्या होता है भैया, ई क्या होता है, ई का नाम भी कहता होगा कुछ, हाँ बिल्कुल होता है, ई का नाम होता है, ई का मतलब इंक्रीमेंट, तो हम आई से लिखते हैं लेकिन उसको इंक्रीमेंट ही कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, मतलब ये कुछ इंक्रीज कर रहा है। अरे भैया मैथ जो है पूरी पूरी इंग्लिश में होने वाली है, तो हिंदी वालों को भी इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो इंग्लिश, इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही लिखा होगा, ठीक है, तो आप समझिए इंक्रीमेंट का मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज करना, तो ई है तो ठीक है, इसको ई पढ़ते हैं, ई के साथ जैसे एफ एक्स हमने अगर लगा दिया तो ये एक इंक्रीज कर देगा, मतलब 40 था तो 42 कर देगा, मतलब ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच, बस इतना ही करना था, ई लगा दिया, एफ एक्स प्लस एच कर दिया, बस खत्म। दूसरा क्या था, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दूसरा होता है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर लिख देंगे, इसको लिखते हैं ई इनवर्स है, इसको लिखते हैं ई इनवर्स है, ई इनवर्स का मतलब ई माइनस टू भी लिख सकते हैं, ई माइनस टू जब लगा होगा तो उसको दो बार करेंगे, एक बार किया दो बार किया, यहाँ पे भी ई टू लिखा होगा, ठीक है, एक बार किया दो, अभी बता रहा हूँ, ठीक है, पहले इसको देखें ई माइनस वन, तो ई माइनस वन एफ एक्स के साथ लग गया, अगर ई इनवर्स लग गया इसके साथ तो क्या करेंगे, ये एफ एक्स में से एच एक बार घटा देगा, एक बार घटा, सब कुछ एच का खेल चल रहा है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, डेल एफ एक्स था तो इसने एक्स में एच जोड़ा और फिर एक बार में दूसरी बार में माइनस एफ एक्स को इससे घटा दिया, एफ एक्स में क्या हुआ, एफ एक्स से इसके पीछे वाला एक वो घटा दिया, ठीक है, ई एफ एक्स में क्या हुआ, ई एफ एक्स लिखा तो एफ इसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो ये घटा दिया एच इसमें से, हो गया। अब मैं कह रहा था ई अगर टू लिखा है, इसमें लिखा ई टू और एफ एक्स, ठीक है, तो पहले तो ऐसे लिखा जाए, इसको ई लिख दिया और अंदर वाला ई एफ एक्स इसके साथ जुड़ गया, तो ई एफ एक्स करके ये कर दिया एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, अगली बार एक और इंक्रीमेंट कर देगा, क्या करेगा, नीचे लिखता हूँ, चलो ई इंक्रीमेंट करेगा एफ एक्स प्लस एच, पहले से था एक एच और जुड़ गया, मतलब एफ एक्स प्लस टू एच हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह चलता रहेगा, ई थ्री एच कर देंगे ये, तो क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स प्लस थ्री एच हो जाएगा, एफ एक्स प्लस फोर एच, फाइव एच, सिक्स एच, अच्छा इन्वर्स में, अच्छा माइनस ही लग गया, सॉरी माइनस में अगर होता है ये माइनस थ्री एफ एक्स, तो क्या करते हैं, वही सिंपल एफ एक्स माइनस थ्री एच, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये जी है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बाकी ये थोड़ा समझना है फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड। अच्छा इनके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से जल्दी, क्वेश्चन हम देखेंगे, अच्छा रिलेशन देख लेते हैं पहले इनका, चलिए अभी रिलेशन, रिलेशन
बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स। ये चार आपको ये पता चल गया ना, तो इनसे अपने आप ही रिलेशन आप बना लेंगे। कैसे रिलेशन बना लेंगे, देखिए पहला वाला फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है डेल एफ एक्स इजिकल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, डेल एफ एक्स इजिकल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब क्या करना है, देखिए ई देखिए ई एफ एक्स इजिकल टू ई एफ एक्स प्लस एच दिया हुआ। देखिए एफ एक्स प्लस एच देखिए, और यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच देखिए, इसकी जगह पे उठा के हम एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच की जगह पे ये रख सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल रख सकते हैं। चलिए रख लिया यहाँ पे ई एफ एक्स, ई एफ एक्स ही था हमारा, देखिए ई एफ एक्स रख लिया। ठीक है, ये माइनस एफ एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, एफ एक्स कॉमन ले लेंगे भैया, ई माइनस वन हो जाएगा, एफ एक्स इधर हो जाएगा, एफ एक्स ये। ठीक है, कंपेयर करेंगे, डेल इजिकल टू क्या आ जाएगा, ई माइनस वन, डेल इजिकल टू ई माइनस वन, एक रिलेशन मिल गया हमें। सॉरी कैमरे के बाहर निकल गया, डेल इजिकल टू ई माइनस वन, इक्वल टू लगा है, डेल इक्वल टू ई माइनस वन। अगला वाला अच्छा नेबला वाला रिलेशन इसी तरह से बिल्कुल सेम टू टू होने वाला है। कैसे होगा, ये लिखेंगे हम इधर नेबला, इधर लिख रहे हैं हम नेबला एफ एक्स इजिकल टू, ये रिलेशन था हमारा, क्या था, एफ एक्स माइनस एच, ये रिलेशन था। अब हम किसकी जगह पर रखेंगे, देखिए एफ एक्स माइनस एच की जगह पर रखेंगे, इसकी जगह पर ये रखेंगे हम एफ एक्स माइनस एच वाला। ठीक है, चलो रख देते हैं भैया सर जी, इसको ये रख दिया माइनस ई इनवर्स एफ एक्स। फिर से वही सेम किया हमने, वन माइनस ई इनवर्स कॉमन ले लिया भैया, कंपेयर कर दिया इनको, डेल इजिकल टू क्या हो गया, वन माइनस ई इनवर्स, ये दूसरा रिलेशन हो गया। तो इसी तरह से रिलेशन बनते जाते हैं। एक रिलेशन और ये याद कर लीजिएगा, ये मैं अभी सॉल्व आपको नहीं करा रहा हूँ, फिर कभी करा दूँगा, डेल ई इक्वल टू नेबला ई इक्वल टू वन, नेबला ई सही ऐसे लिखेंगे, ई डेल इक्वल टू नेबला ई इक्वल टू वन, याद करने हैं आपको, ये आगे लगेंगे सारे। इसका इम्प्रूवमेंट पूछता नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी ये आना चाहिए। ये क्वेश्चन ही है आपका, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का यही है कि रिलेशन बताइए डेल और ई में, कितने डेल और ई में, यही है। अच्छा सॉरी, ये भी डेल ही लिख दिया, नहीं डेल तो था ही, नेबला था। चलिए चलो कोई नहीं, हो जाता नहीं, ये नेबला कर दिया है ना। ठीक है, तो ये नेबला और ई इनवर्स में लेते हैं ना, ये डेल और ई में है, और ये डायरेक्ट याद आप कर सकते हैं, ई इंटू डेल्टा इजिकल टू नेबला इंटू ई इजिकल टू वन होता है। अच्छा, तो हमने क्वेश्चन के लिए कहा था, एक दो क्वेश्चन भी बनते हैं, बिना क्वेश्चन के काम चलने वाला है। चलिए एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन हम लगाएंगे पहले तो सिंपल द क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है हमारा ई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, क्या था ई, हम याद करें इंक्रीमेंट ऑपरेटर था भाई, ये क्या था हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, दो बार में अलग अलग करते हैं ई स्क्वायर है, पहले ई इसके साथ लगा दिया, चलिए लिख के कर देता हूँ मैं ई एक्स स्क्वायर इसके, एक बार में एक ही प्रोसेसिंग करेंगे हम, एक बार में एक ही प्रोसेसिंग करेंगे, क्या होगा, इंक्रीमेंट कर रहा है भैया, ध्यान देना, यही होगा ई था भैया, ब्लर क्या हो गया, फोकस कर, सही है। हाँ भैया क्या हुआ, इंक्रीमेंट कर रहा है ई, क्या करेंगे एक्स में एक एच बढ़ा देगा, बढ़ा दिया, स्क्वायर जेम का त्यौहार आने वाला, दोबारा में भी तो करेगा भैया, ओपन करने चाहें तो इसको, चलो ओपन कर लेते हैं भैया, डायरेक्ट कर दो, एक ही बात है, ओपन मत करो, ई इसके साथ लगा देंगे, एक्स प्लस टू एच है ना, एक्स प्लस टू एच का होल स्क्वायर। हाँ तो पहले डायरेक्ट ही लगा देते, एक ही बात थी, चलो कोई नहीं, इसको कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू टू या फोर एच स्क्वायर प्लस टू ए भी हो गया हमारा। ठीक है, डायरेक्ट हो गया, इतना ज़्यादा ये होते हैं, क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला थोड़ा सा टफ देख लेते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन किए जाए, डेल स्क्वायर ऑफ टू एक्स ने ये दे दिया। अब करिए भैया इसको, क्या कहा, डेल स्क्वायर कॉस्ट टू,
सेम वही करेंगे जैसे हमने अभी पहले किया, डेल को इधर किया, एक डेल को अंदर किया, डेल को बाहर किया, कॉस टू एक्स है तो क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, ये हो जाएगा हमारा कॉस डेल है, डेल क्या करता, अरे फॉरवर्ड डिफरेंस था, ये था हमारा, क्या कर रहा था ये कर रहा था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स कर रहा था, सिंपल था, यहाँ पे वही लगा देंगे हम, क्या करेंगे कॉस कॉस के साथ टू एक्स प्लस टू एच, अच्छा ये टू एच क्यों आ गया, देखिए एक्स में एच बढ़ रहा है, एक्स प्लस एच ब्रैकेट में लिखेंगे टू, इस तरह से लिखेंगे इधर लिख के देखेंगे टू एक्स प्लस एच, हाँ सही है टू एक्स प्लस एच, तो टू एक्स इसके साथ जाएगा टू एच इसके साथ जाएगा, दोनों के साथ टू जाएगा, दोनों के साथ टू जाएगा भैया, ये गौर रखना है ठीक है, यहाँ से गलती हो जाती है, और माइनस लगाया फिर वही सेम लिख दिया कॉस टू एक्स, खत्म कहानी, अगली बार दोबारा से इसमें लगाएंगे। अच्छा इसे दोबारा लगाने से पहले कोई फार्मूला याद आ रहा होगा आपको ट्वेल्थ वाला, अगर वो लगाने भैया तो थोड़ा ईजी पड़ जाएगा, वीडियो 16 मिनट की हमारी बन गई है, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को, इसको स्टार्ट आया फार्मूला लगाएं भैया, कौन सा कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फार्मूला है याद आ रहा भैया कुछ, चलो माइनस टू साइन सी प्लस डी वाई टू, सी प्लस डी वाई टू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फोर एक्स प्लस टू एच वाई टू, ये होगा, और दोबारा में फिर साइन क्या होगा सी माइनस डी वाई टू, सी माइनस डी वाई टू मतलब ये माइनस हो जाएंगे हमारे, ये बचा टू एच वाई टू, ठीक क्वेश्चन हो गया अलग अलग, ये अब हम इसको सॉल्व चलो डायरेक्ट ही करते हैं कर लेते हैं, चलिए ये हो जाएगा टू एक्स प्लस एच, ये हो गया साइन एच, ठीक है इससे क्या थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा, अब हमें फिर से लगा देना है भाई डेल ऑपरेटर, हमने भी देखा था क्या है एफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स, लगा देंगे इसे माइनस टू साइन, फिर से भाई इस बार अलग लिख लेते हैं, एक ही में लगते हैं चलो एक ही में लिख लेते हैं टू एक्स प्लस टू एच प्लस एच, समझे ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एच ही, या इसमें कुछ नहीं होने वाला क्योंकि एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, एच में तो एच में थोड़ा इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर केवल हम किस में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हम केवल कर रहे हैं एच में इंक्रीमेंट, वो वैसा ही रहने वाला, ब्रैकेट हमारा कहाँ पे था सही है यहाँ पर ब्रैकेट है, तो माइनस टू लिखेंगे यहाँ पर, इसको ऐड कर देंगे ऊपर आप, ये हो जाएगा साइन, अच्छा अभी एक रहेगा इसका एक पार्ट, हाँ बच्चे का ना एक रहेगा माइनस टू साइन टू एक्स प्लस टू एच प्लस एच इंटू साइन एच हो गया, अच्छा माइनस वाला पार्ट हमारा रहेगा, माइनस आएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है माइनस माइनस ये वाला माइनस मिलकर इस वाले माइनस से प्लस कर गया, ये हो गया हमारा टू, सेम टिट्टो भाई उतार देना एफ एक्स था ना हमारा भैया, तो सेम टिट्टो भाई उतार दिया हमने, ठीक है अब इसको क्या करना था मैं टू एक्स प्लस थ्री एच साइन एच, ये हो गया प्लस टू साइन टू एक्स प्लस एच इंटू साइन एच, बस अब इनको क्या करना, इनको कॉमन ले लिया हमने, ये अंदर साइन वाला फार्मूला लग जाएगा, ओपन कर दें बस क्वेश्चन खत्म, ऑपरेटर जुड़ाने थे वो तो लग गए, अब सोल्यूशन क्या रह गया, सॉल्व करके इसको सॉर्ट करके थोड़ा सा लिख देंगे तो अच्छा लगेगा, कैसे इसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट इसको इस तरह से करेंगे टू कॉमन मिल रहा है देखिए और साइन एच कॉमन मिल रहा है दोनों जगह से, अंदर हो गया हमारा क्या ये हो गया देखे ना, देखो भैया ये तो मिला, तो मैं ये वाला माइनस हमने इस वाले पार्ट को पहले लिख दिया, देखिए ये कॉमन मिल गया ये कॉमन मिल गया, इसको उठा के इधर रख दिया दोनों जगह से, बचा गया ये वाला बचा था यहाँ पे प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, अब फार्मूला ट्वेल्थ वाला रहेगा, याद कीजिए फार्मूला, फार्मूला भैया हमें याद है, फार्मूला हमें याद है कौन सा फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का, आपने सी डी ए भी जो भी याद किया है मगर फार्मूला याद कीजिए बस, याद होना चाहिए साइन सी माइनस साइन डी से मैंने याद किया था, तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला टू कॉस सी प्लस डी वाई टू, सी प्लस डी वाई टू करेंगे सी प्लस डी करेंगे यहाँ पर फोर एक्स प्लस फोर एच वाई टू, और फिर साइन सी माइनस डी वाई टू हो जाएगा, सी माइनस डी वाई टू मतलब ये जीरो हो गया, एक्स माइनस थ्री एच माइनस का टू एच वाई टू मिल रहा है, मिल रहा है ना माइनस का टू एच वाई टू,
सही है, मैंने इसका 2/2 तो मिला, गलत कर दिया कुछ। सही कर दिया, 2x+3h का। हाँ भैया सही है, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो बस यही देखना पड़ता है इसमें, बाकी सब तो चलता रहता है। सही, इतना ही होना हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस बाहर आएगा ये, बाकी ये तो सॉल्व हो ही गया। साइन हाइपरबोलिक 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, चलो 4 कर दिया, ये कॉस हो जाएगा, ये 2 2 काट दो डायरेक्ट, ये हो गया हमारा 2x+h। ठीक है, और ये हो गया हमारा साइन, ये भी माइनस का h था, माइनस बाहर आ जाएगा, एच साइन एच हो गया, साइन स्क्वायर एच हो गया, माइनस का 4 साइन स्क्वायर एच कॉस 2x+h, आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। बस एच में ही रहेगा ये, ऐसे ही बस इतना ही आंसर इसका, माइनस का 4 साइन स्क्वायर एच कॉस 2x+h, यही आंसर है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, आप लोगों के पास अगर एस जे पब्लिकेशन की बुक होगी, कौन सी, एस जे पब्लिकेशन की, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी करती है। ठीक है, पढ़िए तुम्हारा, वीडियो को शेयर कीजिए मेरी, जितने बच्चे हैं वो आपकी जान पहचान में साथ में पढ़ने वाले, उनको शेयर कीजिए। अच्छा बच्चे कुछ क्या करते हैं, कहते हैं हमने तो पढ़ लिया भैया, अब क्या ये करता है, अब वो दोस्त मेरा नहीं है तो उसको शेयर नहीं करेंगे, ऐसा मत कीजिए भाई, सबको शेयर कीजिए, है ना, सबको पढ़ने दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू।